अच्छा ही मिला करता है। अब हमारे बीच एक ऐसे शायर को, बड़े भाई को, जब सवाल है कि जब वो कद में हमसे बड़ा हो, उम्र में हमसे बड़ा हो, शायरी में हमसे बड़ा हो, तो उसको बुलाने के लिए यह तमाम तो करना ही पड़ता है। तो मैं अपने बड़े भाई जनाब दिनेश भरमर जी को, जो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त सुनते थे कि बाघा में कोई भरमर जी है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनका शकील भाई हूँ, ये मेरे बड़े भैया हैं, और हम तमाम दोनों भाइयों में जो पढ़ती पढ़ती है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त अखिलेश त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं, हम लोग ये समझते हैं कि हाँ खुदा आपको सेहत से रखे। और अब मैं आवाज देना चाहता हूँ उसी शायर को जिसे हम दिनेश भैया के नाम से जानते हैं, कि ये कहना चाहता हूँ कि दहकते होंठ सुलगती हुई नजर ले आ, अब बदन की आँच किसी शक हमारे घर ले आ, तू अपने हाथ में ले चांद एक में सूरज, फिर उसके बाद कोई मुझसे ढूंढ कर लिया। जनाब दिनेश भरमर को मैं आवाज दे रहा हूं, अपनी सारी निशानियां ले जा, फूल रुमाल तितलियां ले जा, अरे कैसे छूटेगी लिखने की आदत, काट कर मेरी उंगलियां ले जा। तो हम जनाब दिनेश भरमर को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और मैं ये बता दूं कि नवगीत की जो परंपरा हिंदी साहित्य में रही, और नवगीत में राजेंद्र जी ने उसे कंपाइल किया था, और नवगीत का जो सफर शुरू हुआ, उस नवगीत के जो मोतबर शोराओं की गिनती होती है, उसमें जनाब पंडित दिनेश भरमर भी हैं, जो बघा के लिए बाई से मुसर्रत है, तालियों के साथ इस्तकबाल के लिए जनाब का, और आज के मुशायरे के सदर मोहतरम का जिन्होंने अध्यक्षता की, मैं पूरे अदब के साथ दिनेश जी के हवाले करता हूँ माइक। सबसे पहले मैं अपनी उम्र का जिक्र करके आपसे क्षमा मांग लूं, 74 वर्ष का हुआ, और मैं जानता हूं मंच पर बैठे हमारे कवि मित्र कहेंगे कि तरन्नुम में कुछ कहिए, तो जहां मेरी आवाज साथ न दे और मैं ठहर जाऊं तो आप मुझे क्षमा कर दें। क्या बात, खूबसूरत गुजार, शुक्रगुजार हूं आरक्षी अधीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह जी का, इसलिए कि 12-14 वर्ष पूर्व गीतों को लेकर ही इनसे मेरा परिचय हुआ था मंच के माध्यम से, और आज इस कवि सम्मेलन मुशायरा में उन्होंने जो अपने कलाम आपके सामने पेश किए उसमें उनका गीत भी आपने सुना, तो शुक्रगुजार इसलिए हूं कि गीत के लिए इन्होंने एक जमीन तैयार कर दी जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि गीत के साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई। हमारे राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा गीतकार की मृत्यु, जब गीतकार मर गया चांद रोने आया, चांदनी मचलने लगी कफन बन जाने को, तो गीतकार नीरज ने एक बहुत लंबी नज्म लिखी, और धर्मयुग में जब वो कविता छपी उसका शीर्षक उन्होंने दिया कि गीतकार का जन्म, और दिनकर जी को एक प्रत्युत्तर ही जैसा, लेकिन वो भी वो नज्म वो कविता बड़ी अच्छी थी, मैं उसके चंद टुकड़े आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूं, और उसके बाद मैं एक गीत आपको आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। नीरज जी ने गीतकार का जन्म कि जब जैसे हमारे श्री अनिल कुमार सिंह जी ने गीत से जो एक पृष्ठभूमि मुझे प्रदान की, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं उनका, तो नीरज जी ने लिखा कि जब गीतकार जन्मा धरती बन गई गोर, वो उठा पवन चंचल झूलला झूलाने को, और भौरों ने दिश दिश गूंज बजाई शहनाई, आई सुहागनी कोयल सोहर गाने, फिर एक दिवस 16 रत्नों का हार पहन बांसुरी बजाता निकला जब वह गीतकार, तरुणियां ठगी
तरुणिया ठगी रह गई, गगरिया छलक पड़ी, जो बूंद भग जाए छुपुरवाई बया। तो ऐसी पंक्तियों का जिस कवि ने गीत गीतकार के समर्थन में ऐसी पंक्तियों का जिस कवि ने सृजन किया, उसी तरह की गीत पंक्तियां अभी इस मंच से श्री अनिल कुमार सिंह जी ने प्रस्तुत की। नौ गीत की चर्चा हमारे भाई डॉक्टर शकील मोइन जी ने की। नौ गीत और कुछ नहीं, गीत ही है, लेकिन कुछ नए शब्द, नए प्रतीकों, नए बिंबों के माध्यम से, गीत के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की गई, जिसकी संज्ञा लोगों ने दी नौ गीत। उसी कड़ी, उसी परंपरा का एक गीत आपके सामने सुना रहा हूं। ये सवा साल है हम इस जश्न में शरीक हो रहे हैं, नया संवत्सर शुरू होने वाला है कल से, फागुन बीत रहा है, चैत्र का आगमन हो रहा है, बासंती परिवेश में हम जी रहे हैं। इस सबको ध्यान में रख के साथ ये गीत सुने तो मैं समझूंगा किस गीत का बहुत आपको आनंद मिलेगा। एक बासंती गीत, श्यामली फुनगियों पर खुल गए सिंधोरे हो, किसे मली फुनगियों पर खुल गए सिंधोरे, लगता दूल्हा बनकर फिर फागुन आ गया। श्यामली फुनगियों पर खुल गए सिंधोरे, लगता दूल्हा बनकर फिर फागुन आ गया। श्यामली फुनगियों पर खुल गए सिंधोरे, कि पात पात किरणों ने रच दी रंगोली, कि पात पात किरणों ने रच दी रंगोली, और कलियों के इर्द गिर्द भंवरों की टोली, भंवरों की टोली कि अमुआ पे लगे बोर हो गए टिको, क्या बात, अमुआ पे लगे बोर हो गए टिको, लगता है मौसम का बचपन गदरा गया। श्यामली फुनगियों पर खुल गए सिंधोरे, लगता दूल्हा बनकर फिर फागुन आ गया। श्यामली फुनगियों पर खुल गए सिंधोरे। ये दूसरा चित्र देखे आप, कि किसने आकाश बीज नखत बीज छींटे, क्या तस्वीर है, वाह 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 वाह, नखत बीज छींटे याद की वाण रोज पुरवैया पीटे, वाह 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 वाह, किसने आकाश वाह 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 बीज छींटे याद की वाण रोज पुरवैया पीटे, कि नीलम के आंगन में दूध के कटोरे, नीलम के आंगन में दूध के कटोरे,
देख जिसे मन का मृग छावना बोरा गया से मली फुलगियों पर खुल गए। तमाम श्रोताओं को अध्यक्ष होने के नाते ये तो इन लोगों का प्रेम है कि मुझे अध्यक्ष की उम्र का कुछ लाभ मुझे मिल जाता है। वैसे कि साहब इतनी संजीदगी से आप लोगों ने आज के कवि सम्मेलन मुशायरा का आनंद लिया और बगहा की रसज्ञता का परिचय दिया। मैंने बहुत दिनों के बाद इस तरह का कवि सम्मेलन मुशायरा बगहा में जमते देखा, तो अपने ही गीत की दो पंक्ति ऐसे ही पढ़ देता हूँ इसके समर्थन में कि बहुत